बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोन मीडिया में। मयूराज रॉब देख रहे हैं स्टोन मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर 21 या 24 के पार्ट 3 के छात्र छात्राएं, आप लोगों का पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। आगे बढ़े बहुत सारी चीजें बतानी है, उससे पहले आपको अभी भी क्वेश्चन चाहिए पार्ट 3 का, देखिए नंबर वहां पर वीडियो में सामने सामने दिया हुआ है। आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि सर हमको वीवीआई क्वेश्चन चाहिए, कहां पर मैसेज करें, एकदम सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है और लिखा भी रहता है फिर भी ना देखते हैं, थोड़ा देख लीजिए और उस पर मैसेज कीजिए। अपने ऑनर सब्जेक्ट का नाम बताइएगा, कुछ मेंटेनेंस चार्ज आपको पे करना होगा, वीवीआई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उर्दू और संस्कृत इस दो सब्जेक्ट का नहीं मिलेगा, बाकी का मिल जाएगा। ध्यान रहे वीवीआई क्वेश्चन में ओनली सिलेक्टेड क्वेश्चन आता है, आंसर आपको गेस्ट पेपर से या ऑनलाइन आपको पढ़ना होगा। चलिए तो आम सूचना हो गई, अब हम आगे पढ़ते हैं। आप लोग का परीक्षा फॉर्म इस नोटिफिकेशन के मुताबिक फिलअप किया जा रहा है, जिसमें आप देख पा रहे हैं 19 तारीख से 29 तारीख तक बिना लेट फाइन के साथ है। वहीं 30 तारीख से 30 जून से 5 जुलाई तक लेट फाइन 200 रुपया देने के साथ साथ है। तो 19 जून जो है आप देख पा रहे हैं कॉलेज सब जो नोटिस निकाली है, कॉलेज लगभग सभी कॉलेज में जो आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है वह 20 तारीख से, देखिए 20 जून से 29 जून तक। बहुत सारा कॉलेज है कि जो 28 जून तक फॉर्म फिलअप करेगी और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और आपका हम दिखाए फॉर्म, तो देखिए यह है आपका ऐसा फॉर्म यूनिवर्सिटी से आपके संबंधित कॉलेज में भेजा गया है, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं आपके ऑनर सब्जेक्ट का नाम है और एक जो सब्जेक्ट होता है जीएस जनरल स्टडीज वो है। अच्छा देखिएगा फॉर्म में है, देखिए इस बच्चा का जो है ना फोटो हुए नहीं है, तो कुछ फॉर्म ऐसा होगा जिसमें फोटो ना होगा, तो आप लोग कॉलेज जाइएगा फॉर्म भरने तो फोटो भी साथ में लेकर के जाइएगा। अच्छा आप लोग कह रहे थे कि सर पार्ट वन मेरा प्रमोटेड है, पार्ट थ्री का फॉर्म भर सकते हैं, 21 से 24 सेशन है। हाँ बिल्कुल भर सकते हैं, आपने प्रमोटेड वाला जो पार्ट वन का स्पेशल एग्जाम होने वाला है वो फॉर्म आपने भरा है, तो बिल्कुल आप पार्ट थ्री का जो है कि फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप पार्ट टू में भी प्रमोटेड है, पार्ट वन क्लियर है लेकिन पार्ट टू में प्रमोटेड है, फिर भी आप पार्ट थ्री का फॉर्म भर सकते हैं। यदि पार्ट वन में भी प्रमोटेड है, पार्ट टू में भी प्रमोटेड है, पार्ट टू प्रमोटेड सब्जेक्ट का एग्जाम 22 से 25 वाले के साथ आपने दिया है और पार्ट वन यदि किसी का प्रमोटेड है, वह एक जो भी स्पेशल एग्जाम होने वाला है उसके साथ फॉर्म भरा है, तो बिल्कुल आप लोग पार्ट थ्री का जो है कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब क्या होगी प्रक्रिया, तो बस वही हर कॉलेज का अपना अपना नियम रहता है, कुछ कॉलेज में ऑनलाइन पैसा लेता है, कुछ कॉलेज में ऑफलाइन पैसा लेता है। देखिए यदि हम आपको नोटिस दिखाए, देखिए कितना पैसा लग रहा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहा है, तो आपको पता ही है हर साल की भांति इस साल भी हर कॉलेज का पैसा का शुल्क अलग अलग होगा, वो उतना लेगा फलनवा उतना लेगा, ये जानबूझ के ऐसा किया जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है हमेशा ना। तो सेंट्रलाइज्ड फी यूनिवर्सिटी अपने वेबसाइट पर लेती तो कितना अच्छा रहता कि सबका एक ही जैसा पैसा लगता है, अभी हाउ कॉलेज में उतना लगता है, उधर वाला में उतना, उधर वाला में उतना, जैसे कि देख पा रहे ये है केसीटीसी कॉलेज डकसोल। देखिए अभी आप लोग डॉक्यूमेंट पर नजर बना के रखिए कि डॉक्यूमेंट कौन कौन लगेगा, तो ये परीक्षा प्रपत्र सबसे पहला, तो कौन वाला परीक्षा प्रपत्र, तो हाई वाला जा करके कॉलेज से लेना है, प्रिंट केवा मिलेगा। आप कॉलेज जाइएगा ना, ये फॉर्म लीजिएगा ना, तो तक मिला लीजिएगा कि आपका जानकारी सब सही सही है कि नहीं, एगो फोटो खींच के या जीरोक्स करवा के रख लीजिएगा, काम आता है बाद में कोई दिक्कत परेशानी होता है तो। देख पा रहे वही परीक्षा प्रपत्र कौन वाला, वही जो भी आपको दिखाया है वो। उसके बाद से प्रवेश पत्र TDC प्रथम खंड पार्ट वन का जो एडमिट कार्ड है उसका जीरोक्स, प्रवेश पत्र द्वितीय खंड पार्ट टू के एडमिट कार्ड का जीरोक्स, अंक पत्र पार्ट वन के मार्कशीट का जीरोक्स, फिर अंक पत्र देख पा द्वितीय खंड पार्ट टू के मार्कशीट का जीरोक्स। अच्छा आप कॉलेज जाइएगा तो क्या पूछ लीजिएगा कि सर पार्ट टू का ओरिजिनल मार्कशीट आया है का, कुछ कॉलेज में भेजा गया है, यदि मिल गया आ गया होगा आपके कॉलेज में तो ले लीजिएगा और उसी का जीरोक्स दे दीजिएगा। यदि आपके कॉलेज में ना आया होगा तो इंटरनेट जो ऑनलाइन आपने रिजल्ट देखा था वही जीरोक्स करवा के दे दीजिएगा, दूसरा क्या करेंगे। उसके बाद से पंजीयन पत्र रजिस्ट्रेशन स्लिप जो पार्ट वन में आपको मिला था, ये बहुत बहुत जो है ना इम्पोर्टेंट है, आगे भी आपको बहुत काम आएगा, छोटा उधर रहता है लेकिन बहुत जो है कि काम का चीज है, तो उसको भुलाइएगा नहीं किसी भी हालत में। तो देख पा रहे पंजीयन प्रपत्र का जीरोक्स, उसके बाद से आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र यदि EBC SC ST OBC से जो लोग आते हैं उनके लिए, जनरल वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है, पासपोर्ट के आकार का रंगीन फोटो और नामांकन रसीद। पार्ट थ्री में देखिए यदि आपका एडमिशन पार्ट थ्री में अभी तक नहीं हुआ है तो अब ही है, आपका पार्ट थ्री में एडमिशन भी हो जाएगा और फॉर्म भी भरा जाएगा, और ये मतलब परीक्षा फॉर्म, और यदि आपका पार्ट थ्री में एडमिशन हो गया हुआ तो खाली फॉर्म भरना है,
खाली फॉर्म का शुल्क देना है, तो ये सब डॉक्यूमेंट, इतना डॉक्यूमेंट लगभग हर कॉलेज लेगा, ठीक। तो डॉक्यूमेंट लिस्ट सबका समान है, आपका कोई भी कॉलेज है, इतना डॉक्यूमेंट जो लगेगा इतना आप लोग दिमाग में रखिए। अब देखिए फी अलग अलग हो सकता है, जैसे कि ये केसीटीसी कॉलेज रक्सौल है, देखिए 4495, 4315, 4065, ये जो शुल्क है क्या है, तो नामांकन एवं परीक्षा शुल्क। वैसे स्टूडेंट जिनका पार्ट थ्री में एडमिशन नहीं हुआ है, तो पार्ट थ्री में एडमिशन जो होता है उसका भी चार्ज लगेगा, प्लस में परीक्षा फॉर्म शुल्क भी लगेगा। देख पा रहे हैं एडमिशन शुल्क प्लस में परीक्षा शुल्क जो है कि परीक्षा फॉर्म वाला, दोनों मिला करके 4400 देख पा रहे हैं, 95 है सब्जेक्ट के हिसाब से ऊपर आप देख पा रहे हैं। और यहाँ देखिएगा ये एससी एसटी ईबीसी के लिए ऊपर वाला है, नीचे देखिए विज्ञान संकाय मैथ ग्रुप, मैथ ग्रुप एससी एसटी, देखिए सबके सामने कास्ट कैटेगरी के हिसाब से, लड़की हो उसके लिए अलग, लड़का हो सामान्य, सिर्फ ये लड़का के लिए 4721, ऊपर देखिए सामान्य 4495। तो सामने सामने दिया हुआ है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं कितना पैसा लग रहा है उस कॉलेज में। तो ये तो हो गया, ये क्या लिखा हुआ है, टीडीसी तृतीय खंड परीक्षा 24 का प्रोविजनल परीक्षा प्रपत्र महाविद्यालय के परीक्षा विभाग से प्राप्त करें। कौन वाला, कि मतलब कॉलेज में आइए, हाई वाला फॉर्म, प्रोविजनल फॉर्म इसे कहते हैं, कि ये वाला प्राप्त करें। तो ये नोटिस ये कॉलेज कह रही है। उसके बाद से मैं आपको और दिखाऊं तमाम स्टूडेंट, तो आप देख पा रहे ये जो है कि ये RMLS कॉलेज जो मुजफ्फरपुर में है वहां का है, ये कह रही है कि हम 20 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक फॉर्म भरेंगे। और ये डॉक्यूमेंट लगभग, देखिए डॉक्यूमेंट सब सेम होगा सब कॉलेज का। आप देख लीजिए यहाँ पर शुल्क देख लीजिए, तो आप देख पा रहे हैं फैकल्टीज आर्ट साइंस कॉमर्स जनरल एक्स, उसके बाद से एससी एसटी बीसी वन। देखिए ऊपर वाला जो है, इस कॉलेज में मान लीजिए कोई बच्चा एडमिशन ले लिया होगा, तो खाली फॉर्म में का ना चार्ज लगेगा, तो खाली फॉर्म का चार्ज देखिए परीक्षा फॉर्म का 1300 रुपया है। यह जनरल, चाहे जो एक्स स्टूडेंट है, मान लेते हैं कोई 20 से 23 वाला होगा, चाहे 19 से 22 वाला होगा, उसका अभी तक पार्ट थ्री क्लियर नहीं होगा, तो आपके साथ तो बैठ के एग्जाम देगा, तो उसका चार्ज ये है। और जो 21 से 24 वाले भी है उनका भी चार्ज यही है जनरल वालों के लिए, बाकी एस सी एस टी बी सी वन के लिए 1050 रुपया है। अच्छा नीचे जो दिया हुआ है ये देखिएगा, तो स्नातक तृतीय खंड में नामांकन नहीं करा सके छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि उनका नामांकन एवं परीक्षा प्रपत्र, मतलब कि एडमिशन प्लस परीक्षा फॉर्म शुल्क, यदि कोनो स्टूडेंट इसमें एडमिशन अभी तक ना करवाया होगा, तो उनके लिए यहाँ पर है 3421 रुपया जनरल या बी सी टू के लिए मैथ का, 3434 रुपया जनरल, बी सी टू बायोलॉजी का, बी सी वन देख पा रहे 3217 रुपया, मतलब कि मानिए ना 3334 रुपया सबका लग रहा है एडमिशन प्लस परीक्षा फॉर्म शुल्क में। आपको यदि हम और दिखाए तमाम स्टूडेंट, तो आप देख पा रहे हैं ये देखिएगा, तो ये जो है कि एलएन कॉलेज का है, देखिए एलएन कॉलेज का है, तो बस आप इतना याद रखिए कि 20 तारीख से देखिए 29 तारीख तक ये फॉर्म भर रहा है, उसके बाद से 4 जुलाई तक, 29 के बाद 4 जुलाई तक लेट फाइन के साथ ये फॉर्म भरेगा। आप लोग जो है ना 28 तारीख तक पूरा लोग फॉर्म भर लीजिएगा ना, तो फिर बाद में होता है कि फॉर्म नहीं भरा पाता है, तो फिर बाद में और डेट बढ़ाना पड़ता है, इसलिए एग्जाम में और लेट हो जाता है, तो टाइम रहता है आप लोग फॉर्म भर लीजिए। और देखिए एलएन कॉलेज में जो है, एलएन कॉलेज आई थिंक भगवानपुर का ये है, आप देख पा रहे हैं एलएन कॉलेज, देखिए इसका जो चार्ज है ये देखिए 2730 रुपया बीए बॉयज जनरल ओबीसी, गर्ल्स जनरल ओबीसी 2555, बॉयज एंड गर्ल्स ईबीसी एससी एसटी 2300 रुपया, अब बीएससी के लिए नीचे हते का देख लीजिएगा। और ये कह रही है कि वो लोग जो पार्ट थ्री में फेल हो गए थे, जो एक्स स्टूडेंट है, एक्स में वही होगा 19 से 22 वाला, अब 20 से 23 वाला, उनका तो सिर्फ फॉर्म भराएगा, एडमिशन थोड़ी होगा, सिर्फ फॉर्म भराएगा, तो उनका 800 रुपया चार्ज लगेगा। और ये डॉक्यूमेंट कौन कौन मांग रही है ये वाला आप देख पा रहे ये सब डॉक्यूमेंट। तो देखिए मोटा माटी ये मान करके चलिए तमाम स्टूडेंट कि यदि आपने एडमिशन करवा लिया है पार्ट थ्री में, तो 1200-1300 रुपया सिर्फ चार्ज लगे आपको परीक्षा फॉर्म शुल्क का, उतना में हो जाएगा। लेकिन आपने एडमिशन नहीं करवाया है तो बस 4000 से 5000, उतना देखिए आप लोग अपने दिमाग में लेकर के चलिए। बाकी देखिए 2500 है, 2700 है, सब कॉलेज का अलग अलग है। बेहतर तो ये होगा ना कि कन्फर्म एकदम कितना पैसा लग रहा है 100% यदि चाहिए न्यूज, तो बस वही है कि आपको जो है ना अपने कॉलेज से जो है कि आपको पता करना होगा। यदि हम आपको दिखाए एक और कॉलेज का, तो ये देखिए ये डीसी कॉलेज जो है कि हाजीपुर है, इसमें देखिए कितना पैसा लग रहा है, देखिए बाप रे 5000 रुपया हो गया। जिन छात्रों ने स्नातक तृतीय खंड में नामांकन नहीं कराया है, उनके लिए नामांकन तथा परीक्षा शुल्क यानी एडमिशन फॉर्म चार्ज प्लस में एग्जामिनेशन फॉर्म चार्ज
दुनू है, मिला करके देख लीजिए कितना लग रहा है। ये तो 5,000 रुपया पहुँचा दिया। वीडियो पॉज करके आप लोग देख सकते हैं, और ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से मांग रहे हैं ये वाला यहाँ से आकर के आप लोग देख सकते हैं। यदि MS कॉलेज मोतिहारी का देखिएगा, देखिए ये MS कॉलेज मोतिहारी, यहाँ पर TDC पार्ट 3 स्क्रॉल करता हुआ जा रहा है, यहाँ पर देखिएगा तो इसका चार्ज देखिए, ये सिर्फ फॉर्म का है। देखिए रेगुलर जनरल BC EWS बॉयज एंड गर्ल्स 1500 रुपया, देखिए सिर्फ फॉर्म का चार्ज है। अगर ये यहाँ पर एडमिशन अगर नहीं हुआ होगा तो हो सकता है कि 2500-2000 रुपया एडमिशन चार्ज ले, वो अलग बात है। ये सिर्फ जो कि फॉर्म का चार्ज है, देख पा रहे EBC SC ST के लिए 1250 रुपया है, और अब देख पा रहे 29 तक बिना विलंब शुल्क के साथ पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, बस अब ये कि आपको वो सब डॉक्यूमेंट लेकर के आपको अपने कॉलेज में जाना है, वहां से परीक्षा फॉर्म रिसीव करना है, उसके बाद से बस देख लेना है, उसके साथ जो डॉक्यूमेंट मैंने बताई है वो लगा करके जो है कि आपको दे देना है। जो शुल्क होगा वो दे दीजिएगा। बहुत कॉलेज में होगा कि ऑनलाइन पैसा चलान कटवाएगा, तो जैसे जैसे बताएगा ऑनलाइन कर दीजिएगा। बहुत कॉलेज में होगा कि नहीं ऑफलाइन काउंटर पर जमा होगा, तो काउंटर पर जमा कर दीजिएगा, आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।